चलिए बनाते हैं मूंग दाल की बर्फी बिना भिगोए हुए, बिना खोआ के और बिना कंडेंस्ड मिल्क के। तो चलिए चलते हैं दादी के किचन में। आज हम दिल कसार बनाएंगे। दो कटोरी वाली दाल, मूंग की दाल गीले कपड़े से पोंछ के और अच्छा से पंखे के नीचे सुखा लिया इसको। अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। पीस के आटे वाली छलनी से छान लेंगे। हमने इसको मिक्सी में पीस लिया, अब इसको छानेंगे। ये देखिए छान लिया हमने। अब इसका ये जो मोटा निकला है ना, उसको भिजो के वो चीला बना लेंगे। पिसी हुई मूंग की दाल कितनी कटोरी हुई? दो कटोरी हुई। अब क्या करेंगे इसका? अब इसको कढ़ाई में घी डालेंगे, आधी कटोरी घी डाल के इसको भूंजेंगे अच्छा से। अच्छा ठीक है, अच्छा से सेक लेंगे। अब इसमें हमने आधी कटोरी घी डाला। चलाते समय ध्यान रखिए गांठ नहीं पड़े, गांठ पड़े उसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। अब इसका ब्राउन कलर हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं थाली में। डेढ़ कटोरी चीनी और एक कटोरी पानी डाल के इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। देखिए एक तार की चाशनी हो गई है। अब इसमें सेका हुआ दाल डालेंगे। दाल डालने के पहले हम गैस को बंद कर देंगे। अब अच्छा से इसको मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला के फिर गैस जलाएंगे। जमने जैसा हो जाएगा तब इसको जमा देंगे प्लेट में डाल के। अगर केसर डालना हो तो अभी डाल दीजिए, इससे खुशबू अच्छी आएगी। अब इसमें देखिए अच्छी तरह मिला लिया है, इसमें दाने नहीं रहने चाहिए। इसको अब चलाते रहिए, जब तक गाड़ी कढ़ाई नहीं छोड़ दे तब तक उसको चलाते रहिए, फिर जमा दीजिए। हम प्लेट में डाल के जमा रहे हैं। अब इसमें हम बादाम, पिस्ता और इलायची डाल रहे हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए एक घंटा छोड़ दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तब काट लीजिएगा इसको चाकू से। देखिए अब ये जम गया है, अब इसको काट रहे हैं। देखिए अभी ये कट गया है, इसको हम ट्रे में जमा रहे हैं। अब इसको आपको थाली में ऐसे भी रख सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत हो। माँ आज आपने हमें बहुत अच्छी मिठाई सिखाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुराने ज़माने की मिठाई है, लोगों को बहुत पसंद आती है, इसीलिए हमने बना ली।